कैसा लगा आज का बीएमएल? कुछ हटके था? कोई माला नहीं, कोई बोके नहीं, कोई रिकग्निशन नहीं, कोई मतलब अननेसेसरी चीजें नहीं, एकदम प्योर बिजनेस और सब्जेक्ट, राइट और रॉन्ग? दोस्तों मैं एक बार रिवाइज करता हूं आज के दिन का सेशन. सलील सर आए थे फर्स्ट, आप लोगों को लास्ट 10 ईयर्स का पास्ट बताए थे. एक 10 ईयर्स में हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या मतलब कैसे कैसे डेवलप हो रहे थे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. नेक्स्ट आए थे मुबीन सर आए थे, उनका पास्ट बताए थे, जैसे कि वो न्यूज़पेपर डिलीवरी कर रहे थे, मतलब जीरो मतलब थे, आज कहां से कहां पहुंचे हैं. नो पेन नो गेन उनका टॉपिक था, राइट. तीसरे आए थे अपने केकेआर सर. केकेआर सर कंपनी के आने वाले 5 साल मिशन अपना बताए थे कि हम क्या प्लान किए आने वाले 5 साल में. लास्ट में आलोक जो एजुकेशन को एकदम मजाक मस्ती में एकदम प्रैक्टिकल जो जो चीजें कन्वे करना था वो पूरी चीजें एकदम परफेक्टली कन्वे किया. क्या क्या प्रॉब्लम्स फील्ड में होते हैं, किसके कारण लोग छोड़ के जाते हैं, इतने मस्त तरीके से आप लोगों को समझाया. शायद इसके आगे किसी को समझाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है कि फील्ड के प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है, राइट है रॉन्ग है. ये बीएमएल क्यों? आज इंडिया की नंबर वन कंपनी हम है, राइट और रॉन्ग? डायरेक्ट सेलिंग में नंबर वन है माई लाइफ स्टाइल. चाहते तो हम भी आराम से ऑफिस में बैठ सकते हैं, आराम से ऑल ओवर इंडिया से बिजनेस आ रहा है, 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हम लोगों को ये इनिशिएटिव क्यों? क्यों मालूम है? आईपीएल में धोनी जब आके इस बार आईपीएल जीतते इस लोगों की चर्चा थी कि ये रिटायरमेंट होने वाला है, राइट और रॉन्ग? धोनी का रिटायरमेंट होगा, धोनी रिटायरमेंट कर लेगा, आईपीएल मैच जीत चुका है करके. लेकिन धोनी ने क्या किया मालूम है? धोनी बोला नहीं मैं ये साल रिटायर नहीं होऊंगा, मैं और एक साल कैसे भी हो मेरे शरीर को तकलीफ हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं एक साल और मैं दूंगा क्योंकि लोगों का प्यार इतना मिला है तो मैं वापस एक साल खेलना चाहता हूं, राइट और रॉन्ग? एक स्पोर्ट्समैन से एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक आइडियल ग्राउंड है, मतलब कप जीता है आईपीएल, सारे कप्स जो भी है वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, आईपीएल के कप हो, सब कुछ उसने जीत लिया है और उसको मतलब रेड कार्पेट, क्या रेड कार्पेट मतलब उसको ये मिलता रिटायरमेंट का. लेकिन नहीं, ही हैज चैलेंज हिमसेल्फ, ही हैज चैलेंज हिज बॉडी. उनको नी का प्रॉब्लम है लेकिन वो एक साल खेलूंगा करके बोला. ये नहीं कि सेफ्टी सोचा उसने कि भाई नहीं ये मौका सही है हर तरीके से अभी रिटायर हो जाना चाहिए, वैसा नहीं सोचा, एक साल और खेलूंगा, शायद अगले साल वो रेस्पेक्ट नहीं रहेगा जो ये साल मिलता, राइट और रॉन्ग? राइट. तो हम लोग भी आज नंबर वन है, हम लोग जो आज 1500 करोड़ टर्नओवर कर रहे हैं दोस्तों, हम लोगों को भी मतलब कंफर्ट जोन में नहीं रहना है. हम लोग जो काम कर रहे हैं पैशन है, आप लोगों की जीत हमारी जीत है दोस्तों. मेरे लिए बीएमएल क्या है मालूम है? बिजनेस मैन लाइफ लाइन, बीएमएल बिजनेस मैन का लाइफ लाइन, क्योंकि यहां पे आप आए हो अपना कैरियर रख रहे हो, तो कैरियर रख रहे हो तो आपको टोटल हिस्ट्री जानना चाहिए, राइट और रॉन्ग? कोई भी बिजनेस के अंदर आप घुसते हो तो आपको कंपनी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कंप्लीट नॉलेज रहेगा, तब जाके आप बिजनेस कर पाओगे, राइट और रॉन्ग? ऐसे नहीं कि मतलब कोई की मतलब आप लोग आए किसी ने कैसे भी जोड़ा बाई फोर्स वॉट एवर इट इज, लेकिन आपको पूरा जानना इसलिए ये चीज है कि बॉस आज आने वाला कुछ दिनों में कुछ सालों में नेटवर्क एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि देखो स्किल्ड लेबर इंडिया में देखोगे ना इट्स ओनली 15% स्किल्ड लेबर, यानी कि वो प्लम्बर रहेगा, इलेक्ट्रिशियन रहेगा, आईटी का रहेगा, कुछ भी है, रिमाइनिंग 85% स्किल्ड लेबर नहीं है. उनके लिए पूरा अपॉर्चुनिटी क्या मालूम है? अपना प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों. 85% ऑफ द पीपल जो है एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा वो है डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों, और आने वाला कल डायरेक्ट सेलिंग का है,
इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बॉस यू शुड नो कि भाई अपनी कंपनी क्या है क्या नहीं है करके। आज देखोगे हम लोगों का जैसे बोलते ना टाइम अपॉर्चुनिटी, आज आपने रेफरेंट रोक के सबकी बातें सुनी, आपने एक चीज देखा होगा, एक कोई रेडीमेड नहीं है, जो मुबीन सर, मोहित है, वास्तविक ब्रदर्स है, सब लोग वहां से ही शुरू किए, राइट और रॉन्ग, लास्ट से ही आगे आए हैं, किसी को रेडीमेड रैंक नहीं मिला है, सब लोग अपना स्ट्रगल देख के, अपना अपना पोर्शन का स्ट्रगल देख के ही आगे आए हैं। बस उन लोगों को 10 साल लगा, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों को उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 10 साल पहले जब इन लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना, तब आके माई लाइफ स्टाइल का भी स्टार्टिंग पॉइंट था, काफी लोगों ने भाई रहेगी नहीं रहेगी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आज 10 साल का प्रोफाइल है, आप लोगों को आगे आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं लिख के देता हूं, अगर 5 साल आप टिकोगे ना, आप भी इस आगे वाले रो में रहोगे ही रहोगे। आपके लीडर्स के गाइडेंस से सब कुछ, मैं चांद पे पहला आदमी पांव रखने वाला कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। हकीकत आपको मालूम है, एक्चुअली चांद पे जाते वक्त एड्रिन करके एक आदमी था जो मेन पायलट था, एड्रिन, उसको बोला गया था जैसे चांद पे गए ना तो नीचे से कमांड आया, एड्रिन गेट डाउन। तो एड्रिन ने दरवाजा खोला, वो देखा क्या यार इधर जमीन भी दिख नहीं रही है, कहीं नीचे ना गिर जाऊं, कहीं चल ना जाऊं, कहीं उड़ ना जाऊं, वो डर गया। सो नीचे इमीडिएटली आया इंस्ट्रक्शन, नील गेट डाउन, थप करके उतर गया, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, हिस्ट्री में नाम क्रिएट किया। जो एड्रिन मतलब सेकेंड आदमी कोई जानते हो क्या? एड्रिन करके कोई चीज है नहीं, अपन सब नील को ही जानते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी एड्रिन को मिली थी, लेकिन उसने सोचा, इसने सोचा नहीं, वो सोचा नहीं, थप करके उतरा, हिस्ट्री में नाम हुआ। जैसे ही आप लोगों को मैं बोलता हूं, इस दुनिया में ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। कोई भी मतलब यहां आके पैसा, कितना पैसा है, लेकिन लोगों की कमी है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपना मतलब बोलते ना कंप्लीट अपना होल हार्टेड नहीं दे पा रहे, दिल से काम करने के तैयार नहीं है। कोई इजी वे है कि आप लोगों को बताइए, एक अपॉर्चुनिटी बताइए मेरे को जहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करना है और कमा सकते, ऐसा कोई एक अपॉर्चुनिटी है? नहीं है, तो फिर यहां सोचने वाली बात नहीं है, आपको लगना है बस, फॉलो योर अपलाइन, आप लोगों की अपलाइन की बातें सुनना, अपलाइन के फॉलो करना है, और आप लोगों को सिस्टम को देखना है, सिस्टम को फॉलो करना है, और आप लोगों को जीतना है। इस दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये चीज अपना सपना साकार करने के लिए इजी मतलब आप लोगों को गाइडलाइंस है, मतलब गाइडेंस आपके अपलाइन के सब कुछ है, बस एक ही चीज है आपको टिकना है, टिकोगे तो 101% जीतोगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय माय लाइफ चैंपियन। सर के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों अभी उनकी बारी है जो आज डायमंड एग्जीक्यूटिव है, और कैसे डायमंड बनना है ये आपको चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, तो हमारे मोस्ट लव्ड डायमंड मिस्टर प्रोफेसर माणिक जाधव सर को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। Yeah.